हे गाइस, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि व्लॉग काफ़ी मुश्किल से बनता है यार। और ये मैंने व्लॉग शूट की है जिम खाना, हैदराबाद के जिम खाना में, तो देखिएगा पूरा व्लॉग एंड यू विल एंजॉय। मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं जहाँ तक हो सके। तो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गो। आज हम जा रहे हैं जिम खाना की तरफ, वहाँ पर डिनर का प्लान था। अभी ही मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी तो अभी काफ़ी भूख लग रही है, तो दोस्तों के साथ प्लान बना है तो चलते हैं। ये हम लोग पहुँच गए हैं जिम खाना, तो बस उतरे हैं। मसला ये है यार कि मैंने पहने हुए जॉगर्स, क्योंकि मैं जिम से डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ, तो कोई अंदाज़ा नहीं है कि खाना वगैरह खाने थे या नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि डाइनिंग नहीं करने देंगे, तो हमें जो है डाइनिंग हॉल के बाहर ग्राउंड में खाना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार ये असल में हैदराबाद का जिम खाना है, लाहौर का मेरे ख्याल से आप लोग ना समझ रहे हों। ये मस्जिद बनी हुई तो है, ये जो सबसे पुराना जिम खाना ये बना हुआ बारबेक्यू का था, सामान है वो शायद। जो पानीयर है वो हैदराबाद का ही, आई गेस ये नीचे 1852 बना या हुआ है, 53 में बना था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसे देख तो लीजिए। इसका सारा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इसका दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल, इसका ग्राउंड, इसका वॉकिंग जॉगिंग एरिया, और इसमें जो जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो काफ़ी एंटीक सा बना हुआ है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने का, ये स्विमिंग पूल है। और डिफरेंट है लाहौर से। लाहौर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया हुआ है। ये इसका स्विमिंग पूल आप देख रहे हो। एक क्रिकेट प्रैक्टिस जिम खाना हैदराबाद क्लब है ना, ये पांच हम तारीख जा को रहे मीट हैं करते हैं क्या? अब लाइब्रेरी देख लेगा, क्योंकि लाहौर इस में लाइब्रेरी मैंने भी जगह आकर दूसरी जगह कुछ जाना होना दिन मुसीबत पढ़ना बन है, जाएगी। और मैंने लाइब्रेरी पहले कभी देखी नहीं हैदराबाद की जिम खाना की, कैसी बनी हुई फर्स्ट है। एड रूम, फर्स्ट एड रूम है ये, तो अच्छा ये है लाइब्रेरी। तो अंदर बंदा तो कोई भी नहीं बैठा दिस हुआ। इज ये फैमिली पाकिस्तान जो है ना, ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर मस्जिदें और लाइब्रेरीज खाली हैं, और आपके सिनेमा और क्रिकेट ग्राउंड जो होते हैं ना, वो भरे हुए होते हैं। फर्स्ट एड इनॉग्रेटेड बाय सर्जन हिमसेल्फ। तो लेट्स गो और देखते हैं कि क्या शॉपिंग रूम है भी ये, देखते खाने हैं। पीने की टेबल्स वगैरह। और उस साइड पे स्नूकर क्लब होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अंदर गेम ना चल रही होगी, अगर अंदर गेम चल रही हुई ना, तो फिर जो है वो मूवी नहीं बनाने देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है यार कैमरा यूज़ करना बड़ा मुश्किल काम हैदराबाद में बहुत सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं, तो ये मसला है। तो भाई हाँ वही हुआ, वहाँ पे गेम चल रही थी तो प्रिवेसी इश्यूज थे, तो सबसे अंदर मैं वीडियो बना हैदराबाद सका। जिम ये खाना लिखा हुआ है 1897। 1897, हाँ 1897 में बना है हैदराबाद जिम खाना। और ये अभी हम चल रहे हैं आगे। ये डाइनिंग जो अंदर देख रहे हैं रेड रेड, वो डाइनिंग है। और ये बाहर जो आप देख रहे हैं चेयर्स लगी हुई हैं, आप बाहर भी खा सकते हैं। और मैंने जो पहने हुए हैं जॉगर्स, तो मुझे लग रहा है कि भाई अंदर इजाज़त नहीं देंगे खाने की। ये भी फैसिलिटी दी हुई है अंदर, अगर आपने टेबल टेनिस खेलनी है इनडोर, इन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी है। तो जब मैं लाइब्रेरी पढ़ने आया करूँगा तो ये भी खेल लिया करूँगा, मुझे पसंद है टेबल टेनिस काफ़ी। और उसके बाद ये है आपका स्विमिंग पूल, ये इन्होंने दूसरा बनाया हुआ है स्विमिंग पूल, एक वो वाला जो मैंने पहले देखा था और एक ये वाला। ये भी ठंड है तो इस वजह से इन्होंने अभी क्लोज़ किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये गर्मियों में ओपन होगा। और जनाब ये सारा सीन आपको मैंने दिखाया है जिम खाना का, ये अंदर डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं हम, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे जेंट्री काफ़ी अच्छी आती है, यहाँ जर्नल्स, आर्मी और जो है फ़ौज के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वही यहाँ पर आते थे। यहाँ पे और अच्छी जेंट्री आपको मिलती है देखने को।
डॉक्टर बर्नार्ड विल्फ्रेड, डॉक्टर लक्ष्मण, ये सब हिंदुओं के और गौरों के नाम लिखे हुए हैं। ये अंदर लोग मज़े से बैठ के खाने खा रहे हैं। तो असल में यहाँ पर एक प्रॉपर सूट के साथ आपको आने देते हैं, फिर ही आप डाइनिंग में एंटर हो सकते हो। तो यार मैंने पहने हुए थे जॉगर्स और मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने भी जॉगर्स पहने हुए थे, तो ये इशू था जिससे हमसे डाइनिंग में एंटर नहीं हुआ जाएगा। खैर हम डाइनिंग के बाहर ही खाना खाएंगे, कोई नहीं, ओपन एरिया में। और ये भी एक रूम है पार्टी के लिए, बुक करा लेते हैं फिर पार्टी का। सूप मुझे बड़ा पसंद आया है, बड़ा अच्छा टेस्ट है। और यार जो हैदराबाद का खाना है ना, वो लाहौर के जिम खाने से बहुत बेहतर है। हैदराबाद के जिम खाने का खाना और लिटरली हर चीज़ इतनी अमेजिंग थी। ये स्वीट चिकन है, रेड स्वीट चिकन, ये लेग पीसेस थे, और ये फिंगर फिश बहुत अमेजिंग थे। और स्पेशली यार मुझे जो यहाँ के फ्राइज़ थे, क्रिस्पी फ्राइज़, ये साथ सिंगापुरी राइस मंगवाए थे, इसकी शक्ल से लग रहा है यार कितने अमेजिंग टेस्ट इसका है। और यार इनके यहाँ के जो फ्राइज़ है ना, जब भी आप हैदराबाद जिम खाना जाएँ, फ्राइज़ लाजमी टेस्ट करने आपने। ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने ऐसे फ्राइज़ यार पूरे पाकिस्तान में लिटरली कहीं नहीं खाए अपनी लाइफ में। इतने मज़े के KFC वालों के तो इतने नरम नरम से, मरे मरे से होते हैं, मुरझाए से फ्राइज, इसके इतनी क्रिस्पी थे। सॉरी मैं पिक्चर नहीं ले सका, उसकी वीडियो नहीं बना सके, इतना मज़े के थे कि मैं बस खाता ही जा रहा था, तो वीडियो बनाना याद नहीं रही। और बस ओवरऑल फूड जो है ना, वो 10/10 था इसका। वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली, खाना खा लिया, बस हम अब निकल रहे हैं घर वापस जिम खाना से। तो इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओके बाय बाय। खाना खा लिया उसके बाद, खाने के बाद बॉस चाय तो बनती है, और आपको पता है कि हैदराबाद की चाय का एक अपना ही नशा है। अगर ये तुम लोगों को समझ नहीं आ रही तो परेशान ही हो। ये सिंधी है।